आपको एक ग्लिम्स दे रहा है एक गाइडेंस दे रहा है कि हमें किस किस चीजों पर ध्यान देना है राइट सो जस्ट एन आइडियाज आइडियाज फॉर द बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दिस दिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस नॉट इन इन टर्म्स ऑफ दैट वुड बी आस्क्ड द एग्जाम राइट सो बेसिकली मेन टारगेट आप थीम को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं और किस लिए प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं ये सब सारी चीजें कि आप एक एक यूनिट पे आप कमांड अच्छी तरीके से कर ले कोई कोई टॉपिक्स न रह जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ये है कि आपकी सिलेबस के आईसीटी मीडिया से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वही आएंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स में भी आ सकते हैं तो सबसे पहले जो है ये ध्यान जरूर दीजिए जब भी आप किसी भी यूनिट की क्वेश्चंस आप टच कर रहे हैं तो उस यूनिट की जितने टॉपिक्स आपको सिलेबस में मेंशन व्हाट एवर द टॉपिक्स विच इज मेंशन इन द सिलेबस राइट वो सारे टॉपिक्स आपके कंसेप्ट क्लियर हो अगर टॉपिक्स किसी भी टॉपिक्स में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखें हर टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी गई है ठीक है प्लीज जो है उसको आप जरूर देखें किसी भी टॉपिक्स में अगर डाउट है तो आप वहां पे रिकॉर्डेड क्लास में देखिए कंसेप्ट को समझाया गया है पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताया गया है ठीक है सो किसी भी तरीके का कंसेप्ट ना रह जाए ये बात का ध्यान जरूर रखेंगे इसीलिए हमने डे वन से ही जब से आपने कोर्स को परचेस किया होगा उसी समय हमने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे रखे हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस बिल्कुल मत भूलिए रिकॉर्डेड क्लास आर जस्ट गिवन टू यू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक्स राइट सो दैट्स व्हाई ईच यूनिट टॉपिक्स आर देयर हैज बीन मेक यू अंडरस्टैंड इन वे एंड इन द पॉइंट्स एज वेल राइट और उसी चीज का आपको स्टडी मटेरियल भी दिया गया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द अंडस्टैंड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एसर्सन रीजन क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला आजकल पैटर्न चढ़ने लगा है उसमें आपको दिक्कतें आ जाएंगी ठीक है सो प्लीज इन श्योर दैट एवर दिजन इन दिलेबस अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट अब पर्टिकुलर टॉपिक्स इन विच यू हैव द डाउट राइट फ्रॉम द रिक्लास वी है इन दैट सेक्शन ओके चलिए So, uh, देखिए uh, बात है तो ये पूरा है, क्लियर है? रहेगा सॉल्व तो करने में रहेगी. एक स्टेटमेंट दिया रहता है ज्यादा कुछ नहीं होता नीलम एसोस रीजन में बस करने का बस यही तरीका है कि इफ ए इज गिवेन बी इज गिवेन राइट सो आप ए को इंडिपेंडेंटली जो है आप क्या कीजिए सोचिए देखिए पढ़िए फैक्ट्स देखिए स्टार्ट देखिए ट्रेंड देखिए और कहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है राइट विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेटमेंट ऑफ द बी बी को आप बिल्कुल भूल जाएंगे फॉरगेट अबाउट द बी स्टेटमेंट व्हाट इट इज रिटन राइट बी मींस दैट इज आर रीजन को आप बिल्कुल भूल जाइए द रीजन स्टेटमेंट फॉरगेट इट जस्ट वेन यू आर फोकसिंग ऑन द स्टेटमेंट ए जस्ट कंसिडर द ए ऑनली हाइड द ऑल द स्टेटमेंट्स

दोनों गलत नहीं हो सकते हैं ठीक है दोनों सही हो सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको ये बताना होगा कि बी जो है यानी आर स्टेटमेंट जो है वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट ए और नॉट राइट वेरी so ईजी आप इंड इंडिपेंडेंटली पहले आप दोनों स्टेटमेंट को क्रॉस कीजिए कि दोनों सही है या इसमें से एक गलत है या एक सही है दोनों गलत कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे इट इज ने गिवेन यू इन द ऑप्शन दैट द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग और फॉल्स राइट इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे या तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही होगा ठीक है या तो आपका ए स्टेटमेंट सही होगा और आर रॉन्ग होगा या तो आपको ए स्टेटमेंट गलत होगा और आर स्टेटमेंट सही होगा या फिर ए और आर दोनों सही होगा लेकिन आर जो है वो आंसर को सेटिस्फाई यानी अजर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा ठीक है तो दोनों गलत नहीं हो सकते इस बात का ध्यान रखेंगे इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट सही जरूर होगा ठीक है लेकिन आपको कैसे करना है इंडिपेंडेंटली जो है आपको देखना है कि ए सही है या बी सही है ठीक है पहले आप, आप इंडिपेंडेंटली जाएंगे ठीक है चलिए होप थिंग्स आर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली जो मेन टास्क है जो आपको दिया गया है इस चीज को लेकर पैटर्न को समझना टॉपिक्स को समझना एरिया को समझना एन टी के इंटरेस्ट आईसीटी में या पर्टिकुलर यूनिट्स में क्या रहता है उस चीज को समझना एनालिसिस करना होगा आप क्वेश्चन कराने का यहाँ मतलब ये यह नहीं है कि क्वेश्चन ही आएंगे ठीक है आप क्वेश्चन तो को निकालिए उस टॉपिक्स के बारे में पढ़िए और उसको मैपिंग कीजिए कि सिलेबस में ये टॉपिक्स है या नहीं और नहीं है तो क्या आ सकता है इस बात को भी ध्यान में रखें ठीक है तो चलिए फटाफट हम रिवाइज करते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी कवर्ड द 18 टू 20 क्वेश्चंस यस्टरडे

राइट right? यहाँ पे कोलाबरे वर्क होता है हम और आप एक दूसरे एक, एक दो दो चार दस लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं राइट सो दैट बेसिकली गिविंग द फैसिलिटेटिंग दिस काइंड ऑफ द सर्विसेज थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट द सॉफ्टवेयर दिस इज नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर कैन बी आस टू यू इन डिजाइन बहुत सारे इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप कोरल रॉक वार्क स्प्रेस ये आपके uh, कल जो हमने प्रो टूल एंड दिस ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी ठीक है

Each and everything that is in the mobile phone. So mobile phone is an example of the convergence. So that is we have to remember. As we had also discussed about the input process and output. In the same way we have to. Convergence ka three C's hota hai. Right. Yes. Very good. So that is the right answer of this question. That is computing, communication and content. And we have to arrange in a sequence. Which we had discussed about the input process and the output. That is computing, communications and the content is the output things. That basically which spread and disseminate to the.

Actually, multimedia is widely used to add the spatial dash to movies. Very important that we are now using VFX, SFX, visual effects, sound effects. That is being used in the movies and the cinemas, right? Media and entertainment industry, and that is what it is. Sound effects, right? Which we had discussed. There is nothing to discuss it more. It right here digital divide. What is digital divide? We had discussed it here. The division of the internet, availability of the internet, accessibility of the internet, usage of the internet. Having of the information, have and have nots, accessing to the computer, accessing to the internet, these all are called digital divide that between urban and the poor or maybe the class to the class, right? So that is what it is about the digital divide. Okay, चलिए दे, very good. So digital divide से so, बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. आज भी हमारे countries में किसी एरिया में आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट का स्पीड मिलेगा, किसी एरिया में बहुत इंटरनेट की स्पीड बहुत ही दुगम, like 4G. बहुत सारे शहर में देखिए फाइव जी तक आ गया कहीं भी अभी टू जी है कहीं थ्री जी ही है अभी तक राइट right? कहीं पे इंटरनेट भी नहीं है सो दिस इज वॉट इट कॉल्ड डिजिटल डिजिटल डिवाइड कहते हैं कि कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए पॉड पॉड क्या होता है एवरी वन यस है Everyone? Yes. Pod हमारा एस डी एम आई Uh, type C, USB port, there are different different types of the ports which are available which allow you to connect in and out, right? That enable the information to move in and out, right? आप in drive से informations लेते हो, in drive से information आप देते हो और उस किस माध्यम से आप port होता है, आपके laptop में, आपके computer में, आपके CPU में और उस port से आप informations को एक जो है, अपने computer में लेते हैं और computer से भी आप out भी

ठीक है छोटा ऑफिस है तो वहां पे लैंड यूज होगा अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत बड़ा जो है ज्योग्राफिकल रीजन है पूरे रीजन में दैट इज यू आर स्प्रेडिंग द इंटरनेट फैसिलिटीज दैट इट विल बी यूजिंग एज ए वैन सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क सो विच इज वैन का जो है कैपेसिटी लैंड से बड़ा होता है ठीक है और हमारा जो टेलीफोन होता है टेलीफोन की जो लाइन होती है वो किससे कनेक्टेड होती है वैन से राइट वाइड एरिया नेटवर्क नॉट द लैन ध्यान में रखेंगे जो टेलीफोन होता है जो दैट इज वैन से कनेक्टेड होता है ठीक है चलिए डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन इन द कंटेक्सट ऑफ एवरी वन डिजिटल डिवाइड इज इन द कंटेक्सट ऑफ एयर वर्थ यस वेरी गुड सो दैट इज द मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का कहने का मतलब है If you are able to access, if you are able to read, if you are able to write, if you are able to know that how the media is generating the revenues right? How to read and write and access and evaluate and analyze that. If you are knowing, then it means that you are literate, right? अगर आप बहुत अच्छा आपको मोबाइल यूज़ करने आता है, कंप्यूटर यूज़ करने आता है, आपको पता है कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, फैक्चेक करने आता है, इनफॉरमेशन को पढ़ने आता है, स्प्रेड करने आता है, so that it means that you are liter About the mediums that it called the media and information literacy, which is known as a digital divide that have and have nots. Okay. Which of the following file format? Very important topic. File format, not in terms of the video only, in terms of the images as well, that we have to know it. what What is here? The right answer of this questions, everyone. aw.mov.mp4.jpg. Jpg joint picture expert group. Very important. Media player. Okay. फाइल होता है विंडोज मीडिया गुड डॉट डब्ल्यू ए बी फाइल भी होता है आप ध्यान में रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं एस एम टीपी फॉर वॉर्ट ई मेल में यूज होता है ध्यान में रखेंगे ई मेल दैट टू सेंड द इमेल एंड टू रिसीव दाइट एंड दैट इज वर्थ फ्रॉम द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज नंबर सी राइट आपके very, very SMTP. SMTP, है तभी जाकर ई मेल आपसे कनेक्ट होगा और ईमेल आप दूसरों को सेंड कर पाएंगे वेन यू आर पुटिंग एन ई मेल एड्रेस इन इन दू और सीसी और बी सी सी में जब आप ई मेल एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद जो ये एस एम टीपी से कनेक्ट होता है इस प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होता है तभी आप दूसरे को ई मेल कर पाते हैं या दूसरे से ई मेल आप रिसीव कर पाते हैं वायर दिस प्रोटोकॉल ऑनली यू यू आर एबल टू ट्रांसफर और यू आर अलाउड टू ट्रांसमिट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर ऑन इंटरनेट राइट चलिए द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द क्विक रिट्रीवल इन दल इट इज वर्ड क्विक

यस yes, हमने बोला था टेन ट्वेंटी फोर से आप मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि वन एम बी में या वन एम बी में कितने, कितने के बी होते हैं तो टेन ट्वेंटी फोर के बी होते हैं ठीक है टेन ट्वेंटी फोर के बी को मिलाकर ही वन एम बी होता है वन जी बी में कितने एम बी होते हैं टेन ट्वेंटी फोर एम बी होते हैं टेन ट्वेंटी फोर एम बी को मिलाकर ही वन जी बी बोला जाता है वन टी बी में कितने जी बी होते हैं

आप सबसे बड़ा फॉर्मूला आप जो है आप अरेंजिंग ऑर्डर में याद रखिए कि क्या अरेंजिंग ऑर्डर होता है तो सबसे पहले बीट्स होता है उसके बाद बाइट्स होता है उसके बाद जो है किलो बाइट्स होता है जिसको हम के बाइट्स लिख रहे हैं यहाँ पे एम बाइट यानी मेगा बाइट्स होता है उसके बाद जी बाइट्स उसके बाद गेगा बाइट्स होता है उसके बाद टी बाइट्स जो है आपका टेरा बाइट्स होता है जिसको टीबी बोलते हैं और उसके आगे भी योटा बाइट जोटा बाइट्स बहुत सारे बाइट्स होते हैं आप मेनली जो हम लोग यूज करते हैं टीबी तक जो है हमारा यूज होता है बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे जब आपको यूज करना होता है तब आप योटा एंड जोटा बाइट पे आप आगे जाते हैं ठीक है तब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नाइन सिक्सटी किलो बाइट्स आपसे पूछा गया है यानी इट इज गिवेन ये आपको गिवेन है ठीक है और आपको पता है इसमें आपको टेन ट्वेंटी फोर टेन ट्वेंटी फोर टेन ट्वेंटी फोर यानी टेन ट्वेंटी फोर के बी इक्वल टू वन एम बी टेन ट्वेंटी फोर जीबी सिमिलरली टेन ट्वेंटी फोर बाइट इक्वल टू वन किलो बाइक्स राइट इन सेम वे यू वन निबल इज टू फोर बिट्स होता है ठीक है वन निबल इज्क्टू फोर बिट्स यहाँ पे फोर बिट्स होता है

डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड ओके चलिए नेक्स्ट आउटपुट क्वालिटी यस वन आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड मेजर किसी भी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मेजर जो है किससे किया जाता है यस पर इंच नहीं डॉट्स पर इंच ठीक है डॉट्स पर इंच एक इंच में जितना ज्यादा डॉट्स uh, होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी बेटर होगी तभी आपने देखा होगा सेवेंटी टू डी 100 आई होते हैं राइट हंड्रेड डी पी आई होते हैं यानी एक, एक so ज्यादा क्वालिटी हुआ हंड्रेड डीपीआई की ज्यादा क्वालिटी आएगी ठीक है सो आउटपुट क्वालिटी किसी भी प्रिंटर के आउटपुट क्वालिटी हम मेजर करते हैं डीपीआई से विच इज डॉट्स पर इंच ठीक है नेक्स्ट

pixel is high mean uh, shruti saying the pixel is high mean doubts high resolution yes, exactly theek hai so cookies is basically that basically yes are, are a very small file bahut hi choti file hoti hai jo users ke computer pe store ho jati hai और उससे relevance content आपको देखने को मिलता है वो आपको जल्दी खोलने में भी website जब आप दोबारा open करते when you open the website again then it takes very less time to open okay because you have already opened in the previous times right so that's why that's basically a storing a cookies very small files on the user's computer which also accessed thicke? yes cookies make you take very less time as well yes very important you have been all understood these things actually a virus type that is capable of the shifting from one computer to the another without user interactions is known as everyone. ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन है एवरी वन द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस राइट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट काउंट डाउन टाइमर का टाइप है विच इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दैट टू अनदर विदाउट यूजर यर विच इज नोन एज एन यस

चलिए ऑल राइट आई एम नॉट गेटिंग यस द आंसर इज हेयर वॉर्म वॉर्म आंसर है ध्यान में रखेंगे ट्रोजन और वॉर्म में डिफरेंसेस है इज डिफरेंड आल्सो एज वेल राइट सो ट्रॉम वर्सेस आपका वॉर्म ठीक है चलिए वॉर्म अटैक्स द सिस्टम बेसिकली अगर डिफरेंस में करेंगे तो वॉर्म अटैक द सिस्टम एंड एप्लीकेशन फ्लॉज एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगा ठीक है इस बात का ध्यान में रखेंगे वेर एज एन ठीक है यहाँ पे किसी भी तरीके का आप यूजर का इंटरेक्शन भी नहीं होता है सो वॉर्म वायरस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर ठीक है लेकिन वॉम विच रेप्लीकेट एक ही चीज को दूसरा से बना देता है बार बार और आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है ठीक है सो ट्रोजन भी वही काम करता है बट हेर इट

जब ज्यादा बल्क में आप ईमेल करते हैं जब सौ लोग सौ और डेढ़ सौ और पचास लोगों को आप ईमेल करेंगे तो ईमेल जो है डिटेक्ट करेगा एज एन स्पैम राइट बिकॉज यस कि आप किसी भी तरीके का हो सकता है मालवेयर हो सकता है जंक हो सकता है या किसी भी तरीके का कुछ भी चीजें हो सकती है सो ईमेल स्पैम इज ऑल्सो रेफर्ड एज एन जंक मेल विच इज अनसोलिसिटेड मैसेज सेंट इन द बल्क बाई

रिसीवर्स को सुनते ही हमें पता लग जाए कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है किस तरीके का जो है कम्युनिकेशन है सो दैट इज वॉट यू आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग अबाउट द रिसीवर्स ओके सो दैट इट कॉल्ड रिडेडेंसी ओके वेरी गुड सो यस हाई प्रिडिक्टिबिलिटी इन द कम्युनिकेशन विच लीड टू रेडेंसी और वहीं पे हाई अनप्रोडक्टिवलिटी होगा तो क्या होगा एंट्रोपी ओके सो एंट्रोपी वर्सेस रेडेंसी ध्यान में रखिएगा उल्टा याद नहीं करेंगे हाई प्रोडक्टिवलिटी इट मीनस रेडेंसी हाई अनप्रोडक्टिवलिटी इट मीनस एंट्रोपी और हाई प्रोडक्टिविलिटी कब होती है एजन जब आप फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हो फ्रेंड टू फ्रेंड कम्युनिकेट होता है तो हमें फ्रेंड की अक्सर चीजें हमें पता होती है कि वो क्या बोलने वाला है क्या कहने वाला है वी नो ऑलरेडी ही विल विल स्पीक स्पीक राइट दैट इज मीन देर इज एन हायर चांसेस ऑफ प्रोडिक्टिंग अबाउट योर फ्रेंड्स दैट वट दे आर गोइंग टू स्पीक दैट इट कॉल्ड रेडिडेंसी एग्जाम्पल जहां पे आप स्ट्रेंजर से बात करते हो ठीक है स्ट्रेंजर से जहां पे आपको पता नहीं है कि किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी सो दैट इज हायर एंड अनप्रेडिक्टिटी अबाउट द कम्युनिकेशन और इन कम्युनिकेशन विच इज नॉन एज एन एंट्रॉपी ओके चलिए स्पीड के बारे में जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि आपको स्टोरेज किस टर्म्स में आपसे पूछा गया था अब यहाँ पे आपको स्पीड के टर्म्स में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है और आपको लोएस्ट स्पीड किस में मिलता है ठीक है चलिए बताइए सो राइट आंसर इफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आई हैव यस दैट इज सी ओके हाउ मच ऑफ यू हैव आंसर्ड देखिए सबसे ज्यादा स्पीड के टर्म्स में ना कैश मेमोरी आपने देखा होगा जब आप लैपटॉप परचेज करते हो ठीक है तो सिक्स एम बी कैश मेमोरी एट एम बी कैश मेमोरी आपको मिलता है ठीक है सो बेसिकली कैश मेमोरी इज काइंड ऑफ द फास्ट वेरी फास्ट स्मॉल मेमोरी विच स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है जो कि सीपीयू के रजिस्टर्स में ही कैश मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है ठीक है सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई चीज नहीं बता रहा हूं यहाँ पे आपको कैश मेमोरी में आपका जो है कुकीज जब आप क्लियर एंड कैशेस करते हैं ना सो दैट इज व्हाट इज अबाउट द कैशे विच इज अ वेरी फास्ट मेमोरी ठीक है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश मेमोरी हो चाहे आपके अकीज हो कुकीज और कैशेस एक साथ आपको मिलेंगे ठीक है दोनों सो so, दोनों आपको क्लियर करने पड़ते हैं ठीक है सम जब आपके पास ओवरलोड हो जाते हैं रन नहीं करती है सो so, यहाँ पे आपको सीपीयू रजिस्टर में ही इंस्टॉल होता है कैश मेमोरीज सो दैट इज ए वॉट इट इज हेयर दीपीयू रजिस्टर देन कैश मेमोरी देन रैम एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज सो स्टोरेज कुछ भी हो सकता है पांच सौ जीबी ठीक है एक सौ अट्ठाइस जीबी चौंसठ जीबी ठीक है दैट बेसिकली अ काइंड ऑफ द स्टोरेज ठीक है और स्पीड के मामले में जो है रजिस्टर है मेमोरीज कैश मेमोरी है मेन मेमोरी है उसके बाद सेकेंडरी मेमोरीज है ओके सो so, ध्यान में रखेंगे द आंसर इज इज दैट सी चलिए आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आप ही जिसको हम एस बोलते हैं एक आपका एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक होता है एस सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कोई भी फोटो जब आप इंस्टाग्राम चाहे वो फेसबुक पे आप डालते हो तो आप उसे क्या गलत करते हो ऑप्टिमाइज़ करते हो ठीक है आप टाइटल देते हो ठीक है आप हैशटैग यूज करते हो ठीक है आप अच्छी कैप्शन को यूज करते हो ठीके? आप क्रॉप करते हो है ना आप टैग करते हो सो दिस इज व्हाट इट कॉल द ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सो दैट वी कैन इजिली एक्सेस टू टारगेटिंग सो दिएटिंग कंटेंट विच रीज इजिल्स द पब्लिसिटी बाय द सोशल नेटवर्क विच इज नोन एज एन एस एम ओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ओके एवरी वन गेटिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड ऑल क्लियर हो रहा है चलिए सोशल नेटवर्क रिन्यूड द कंसेप्ट ऑफ ठीक है वेरी कंसेप्चुअलाइजेशन क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सोशल नेटवर्क्स है चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर है ये सारे रिन्यूड कर दिया है कंसेप्ट ऑफ व्हाट पैसिविज्म रेस्पेक्ट मीडियम एंड कम्युनिटी आप सोशल नेटवर्क्स क्या है सोशल नेटवर्क्स ध्यान रखिए सोशल नेटवर्क यानी हर समाज की हर वो चीजें डिस्कस होती है सोसाइट सो, सोशल नेटवर्क्स पे ठीक है कुछ भी चीजें आप पेज बना सकते हो आप ग्रुप आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो कम्युनिटी फॉरम बना सकते हो यस yes. आप जो है हर तरीके की चीजें आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट इट व्हाट एन कम्युनिटी, राइट कम्युनिटी इज द राइट आंसर ठीक है एक कम्युनिटी फॉर्म की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द सोशल यूनिट और द ग्रुप और कैन बी क्रिएटेड ओके चलिए नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स साउंड एंड एनिमेशन इज कॉल्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन इन इट वेरी इजी क्वेश्चन ओके यस जब आप ग्राफिक्स टेक्स एनिमेशन विडियोज सारी चीजें को मिलाकर आप जब आप काम करते हो एंड वर्ड इट कॉल मल्टी मीडिया राइट दैट कॉल द मल्टी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैन यू व्यू योर एडिटिंग प्रोग्रेस इन दीडियो सॉफ्टवेयर कहा आपको एडिटिंग प्रोग्रेस दिखती है सॉफ्टवेयर पे ठीक है चाहे या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो विच यू वेयर यू सी द एडिटिंग प्रोग्रेस दल्ड टाइम लाइन ओके यस टाइम लाइन पे ही एडिटिंग होती है ठीक है चलिए Who identified that online gambling is a serious issue that has not been addressed under any law? ये questions नहीं पूछेगा, ठीक है? Already जो है बहुत पुराना questions है और जो है इसको आपको discuss करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कहीं भी data सांप को नहीं मिलेगा बहुत ही so the right answer of this question is Asian Cyber Law Institute, ठीक है? Forget about these questions.

देखिए न्यू मीडिया हैज हैजगेटिव इंपैक्ट ऑन द राइटिंग स्किल्स ऑफ द न्यू जनरेशन यस न्यू मीडिया हैज हैजगेटिव इंपैक्ट निगेटिव इंपैक्ट किया है बिल्कुल किया है न्यू जनरेशन के राइटिंग स्किल्स पे ओके okay? अगर यहां पे ओनली लिखा होता न्यू मीडिया हैज द ठीक है और सॉरी ओनली न्यू मीडिया तो गलत होता ठीक है ऑनली वर्ड पर ध्यान रखेंगे अक्सर गलत होता है वो स्टेटमेंट ऑनली जहां पर लगा होता है सेकेंड न्यू मीडिया हैज ऑल्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग यस न्यू मीडिया हैज ऑल्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग दोनों एक जैसा ही स्टेटमेंट लग रहा है दोनों स्टेटमेंट एक जैसा ही लग रहा है इंपैक्ट ऑन द राइटिंग स्किल्स ऑफ द न्यू जनरेशन आर्ट ऑफ द राइटिंग सो नाउ यू से दैट विच वन इज करेक्ट अबाउट इट ये दोनों को तो आप काट दीजिए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है uh, अब वेदर इट इज ए और बी अब बताइए क्या है राइट आंसर चलिए वेरी गुड सो रुचिता हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर दैट आंसर इज बी हेयर। हमने अभी आपको बताया कि दोनों एक जैसे है दोनों में क्या अंतर है आपको क्या कौन सा रीजन इन्होंने बताया आपको लगता है कोई रीजन बताया आर द रीजन इज सेटिस्फाइंग द द आंसर स्टेटमेंट ऑफ द ठीक है यहाँ पे इम्पैक्ट बताया कि यहाँ निगेटिव इंपैक्ट है भाई कौन सा निगेटिव इंपैक्ट है ये तो बताओ रीजन में रीजन में कोई निगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं दिख रहा है इंपैक्ट फैक्टर तो फिर इंपैक्ट का मतलब क्या है फैक्टर बताइए कि हाँ भैया फैक्टर बताओ तो हम कह सकते हैं हाँ क्या न्यू मीडिया का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बट यहां पे किसी भी फैक्टर की बात नहीं हुई है, so that, कि हाँ, रीजन जो है वो सही है बट रीजन कोई सट, आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक है इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही है यस सिंपली चलिए सो so, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए ठीक है ऐसा करते हैं ना कल जो है हम एसेस रीजन क्वेश्चंस कल जो है हमारा क्लास जो होगा ध्यान में दिलाइएगा मुझे मेरे पास पीपीटी भी बना हुआ है राइट असिस्टेंट रीजन क्वेश्चंस रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे राइट टुमारो ओनली द असिस्टेंट रीजन क्वेश्चंस वुड बी डिस्कस सिर्फ असिस्टेंट रीजन क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे ओके चलिए तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया बेसिकली वी वांटेड टू गिव यू द गाइड गिव यू द राइट गाइडेंस अबाउट इट दैट व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इन द द एग्जाम ओके एंड प्लीज व्हाटएवर क्वेश्चन इज देयर पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप विल आंसर ठीक है हम आंसर करेंगे सो देयर इज द लेस टाइम थैंक यू टू ऑल थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लासेस एंड एवरीडे प्लीज अटेंड द क्लास बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट वन थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो मच ओके राइट